परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कारण है? अब बेटियों के लिए अब कुछ किया जाएगा या नहीं? भैया इसमें बेटी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है लॉ का, जो वे है हमारा सामाजिक संवैधानिक, जिसमें ये छोटी छोटी बच्चियां, मैंने सीएम हाउस में इस पर बातचीत की, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत हमने की, कैमरा तो करना, चूंकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है अमरीक पटेल, मंत्री जी के साथ मंत्री के सामने तो कुछ है नहीं, जो अमृत प्रत्यय जी चाहते हैं वो होता है, अब जो जिस तरीके से लाठी चार्ज बच्चों के पैर टूटे, आज हम लोग वही अपनी बात महिलाएं पुलिस ने सरकार को सुनाने के लिए थोड़ी ना कर बच्चियों को आप यहाँ से राजा पाकर भेज दोगे, पटना के शहर में कोई ऐसी जहाँ पर बच्ची सुरक्षित भी है, वैसे ही बिहार में बच्ची सुरक्षित नहीं, जो सुरक्षित है वो भगवान के भरोसे सुरक्षित। अब आज का जो यह कार्यक्रम बच्ची निश्चित रूप पढ़ाने के पहले ये गार्जियन और बच्ची तय कर कि हमें कोई सेफ साइट, जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनसे जो हमारा रियल अधिकार है वो हमें मिले। तो अब भूख हड़ताल पर ये लगातार बैठे हुए सरकार को कम से कम गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहाँ ये है वहीं आप करिए, यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने दी है पटना का तो सरकार को इतने संवेदनशील मुद्दों पर जिद पर नहीं आई और इनके वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, एक तो अस्पताल में 67% कर्मचारी नहीं है, हम अति पिछड़ों डॉक्टर नहीं है, लगभग 52-53% नर्सेस का अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है, लैब का अभाव है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत कोई अस्पताल नहीं चलता है, सरकारी अस्पताल वैसे ही सिर्फ कर्मचारी और सफाई कर्मचारी और कुछ सिस्टर के द्वारा ही संचालित ढंग से चल, डॉक्टर तो अपना अपना प्राइवेट नर्सिंग सब कुछ खोले हुआ है। तो आप बच्ची को ट्रेन करके आप उन्हीं से काम लेंगे ना, और जिनसे काम लेंगे उन्हें ही आप डराएंगे, उन्हें ही आप लाठी चार्ज और उन्हें ही आप उनके जीवन को असुरक्षित रखेंगे, तो फिर वो काम जिस ऊर्जा के साथ वो कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। तो मेरा डिमांड है कि जो हमारी बेटियां अपनी डिमांड रखा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से मैंने हाथ जोड़ के आग्रह किया, पुनः विनती करूंगा कि अल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था को सरकार समाज में हमारी के तौर पर